नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकेंड पार्ट ऑफ बायोटिक फैक्टर, जिसमें पॉइंट है लीडरशिप का। लीडरशिप में एक लीडर होगा और बाकी जो ऑर्गेनिज्म है दे विल फॉलो द लीडर। ये लीडर जो है मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, ग्रुप एनिमल के अकॉर्डिंग। जैसे मेट्राइकल यानी फीमेल जो लीडर है वो रेड डियर में या एलिफेंट में आपको दिखाई देगी, उसी तरह से पेट्राइकल में मेल लीडर होगा, जैसे हम एग्जाम्पल जेब्रा का और कंगारू का पढ़ते हैं। नाउ हमने पहले डिस्कस किया था टेरिटरी के बारे में, जहाँ एक इंडिविजुअल अपनी टेरिटरी मार्क करता है उसी जैसा होता है होम रेंज। होम रेंज वाइडर लार्ज एरिया का होता है जिसमें बहुत सारे ब्रीडिंग ग्रुप होंगे। जैसे हम देखते हैं अफ्रीकन हंटिंग डॉग्स के अंदर 1000 किलोमीटर का इनका ब्रीडिंग ग्रुप रहेगा। नाउ कम्युनिकेशन, कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से कम्युनिकेट करता है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे केमिकल कम्युनिकेशन, जिसमें दे सेक्रेट फेरोमोन्स। फेरोमोन्स जो है सेक्स अट्रैक्टेंट की तरह, अलार्म की तरह या टेरिटरी मार्कर की तरह काम करते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड एक्टो हार्मोन्स। नाउ नेक्स्ट इज विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में हम हनी बी का एग्जांपल पढ़ते हैं, उनका वैगल डांस होता है। जब ये जो वर्कर्स हैं वो फ्लावर्स को देखकर आते हैं, उनकी लोकेशन देखकर आते हैं, तो वो अपने हाइव में आकर एक पेक्यूलर डांस करेंगे। वो डांस फ्लावर और सन के बीच के एंगल के अकॉर्डिंग होगा, जिससे ये बाकी ऑर्गेनिज्म को, बाकी बीज को फ्लावर्स की लोकेशन बता सकते हैं। नाउ इसी में एक एग्जांपल है स्टिकल बैक फिश का, जिसमें मेल अपना बैली को रेड करके वो दूसरों को थ्रेटनिंग सिग्नल देता है। ऑडिटरी कम्युनिकेशन में हम देखते हैं मेटिंग कॉल फ्रॉग की, मेल फ्रॉग की क्रोकिंग से देख सकते हैं। सिकाडा जो है हाई पिच विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस करता है फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए। उसी तरह से बर्ड्स में सॉन्ग्स होते हैं और वो टेरिटरी मार्क करने के लिए भी, या फॉर अलार्मिंग कॉल या मेटिंग कॉल इनकी हो सकती है। उसी तरह से वर्वेट मंकी के अंदर ये देखा गया कि जिस तरह के इन्होंने अलग अलग तरह के प्रीडेटर के अलग अलग तरह के अलार्म, ये उनकी वॉइस निकालता है, अलग अलग तरह के इनके अलार्म कॉल्स होते हैं। नाउ कम्पिटिटिव इंटरेक्शन। कम्पिटिटिव इंटरेक्शन दोनों तरह की होती है, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। हम इंट्रा स्पेसिफिक में देखते हैं कि एक ही स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म जो है आपस में फ़ाइट कर रहे हैं। जैसे हम स्पैरो का देखते हैं कि वो शेल्टर के लिए या फूड के लिए फ़ाइट कर सकता है। लिजर्ड जो है इंसेक्ट को कैच करने के लिए फ़ाइट करता है। प्लांट जो है स्पेस के लिए, वाटर या लाइट के लिए फ़ाइट करता है दूसरे प्लांट्स के लिए। जैसे हम एग्जांपल पढ़ते हैं पार्थेनियम का। पार्थेनियम जो है इस तरह के केमिकल सेक्रेट करता है जो दूसरे सीड्स उस जगह पर ना उग पाए, ताकि इसको स्पेस, वाटर, लाइट जो है वो प्रॉपर मिल पाए। उसमें एक पॉइंट था हमारा जिसमें कम्युनिकेशन में टैक्टाइल कम्युनिकेशन था। टैक्टाइल कम्युनिकेशन में क्या होगा कि फिजिकल कॉन्टैक्ट से, फिजिकल टच से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को मैसेज दे रहा है। जैसे हम बर्ड्स के अंदर म्यूचुअल प्रीनिंग का बिहेवियर देखते हैं और मैमल्स के अंदर ग्रूमिंग का बिहेवियर देखते हैं।